हाय गाइस, वेलकम बैक माय चैनल। मैं हूँ ज़ारा सिद्दीकी और आज बनाने जा रही हूँ मटन काली मिर्च। ये हाफ के जी मटन, ये ऑनियन जो चॉप करके रख लिए मैंने, ये एक बाउल कर्ड है, और ये काली मिर्च है जो मैंने क्रश करके रख ली है, ये लाल मिर्च पाउडर, ये हल्दी पाउडर, ये दालचीनी, इलायची, लौंग, बड़ी इलायची और धनिया पाउडर। तो आइए चलिए बनाते हैं गाइस। ये खसखस और नारियल का बुरादा है जो मैंने रोस्ट कर लिया है, अब इनका मैं पेस्ट बना लूँगी। गाइस, मैं मटन में दही डाल रही हूँ और ये काली मिर्च आधी इसमें डालूँगी, आधी बचा कर रखूँगी, बाद में डालूँगी। अब थोड़ा सॉल्ट डालकर मैरिनेट करके रख दूंगी आधे घंटे के लिए। गाइस, मैंने कढ़ाई में ऑयल डाल लिया है, अब मैं डाल रही हूँ लौंग, इलायची, दालचीनी, इनको मैंने सॉटे कर लिया। अब मैं डाल रही हूँ प्याज, बस प्याज नॉर्मली सॉफ्ट हो जाए बस, उसके बाद इनका पेस्ट बनाना है। गाइस, मुझे ऐसे ही प्याज करनी थी, ट्रांसपेरेंट हो गई है बस, मैंने थोड़ा पानी डाल के उसको सॉटे कर लिया था। सॉरी, मैंने इसको टेंडर कर लिया था, अब ये मैं इसका पेस्ट बनाऊंगी। मैंने ऑयल डाल दिया है कुकर में, अब मैं ये मटन डाल रही हूँ जो मैरिनेट करके रखा है मैंने। और एक चम्मच डाल रही हूँ अदरक का पेस्ट। अब मैं इसमें हरी मिर्च और पुस्ते का दाना और वो नारियल का बुरादा का पेस्ट बनाऊंगा, वो डाल दी। अब मैं डालने जा रही हूँ प्याज की पेस्ट। ये एक लेमन का जूस जो मैं इसमें डाल दूँ, अब मैं डाल रही हूँ इसमें धनिया, लाल मिर्च और हल्दी पाउडर। अब इसकी मैं भुनाई करूँगी जब तक इसकी स्मेल नहीं जाती है। गाइस, मटन काली मिर्च तैयार है, अब मेरी बची हुई जो काली मिर्च है वो भी मैं डाल रही हूँ। अब मैं इसे डिस आउट करती हूँ।